अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो फिर अभी जो है वो मैं स्कूल से जो है तकरीबन 1 घंटे पहले का जो है वो आया हुआ हूँ। आते ही जो है वो मैं नहाने चला गया था और अब जो है वो मैं फारिग हुआ हूँ। तो फिर आज जो है वो हम शाम में जो है ना बेकरी पर जाएंगे, कुछ अपने नाश्ते वगैरह के अंदर जो है सामान खाने का लेने के लिए, यानी जैसे बन हो गए और नान खाते वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेने जाएंगे वो हम जाएंगे शाम को। तो फिर अभी जो है हमारा खाना आने वाला है और अब हम आपसे जो है खाने पर मिलेंगे। हमारा खाना जो है आ चुका है और हमारे खाने में है आज की दाल और चावल। और दालें जो हैं वो हमारे पास दोनों तरह की हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे चावल और अचार। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपना खाना वगैरह खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना वगैरह जो है खा लिया है और अभी जो है वो मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। और फिर अब हम जो है जाएंगे सोकर उठने के बाद MD पे, दही लेना है हमारे को। फिर अभी हम जो है आपसे जो है सोकर उठने के बाद MD पर मिलेंगे। वो MD पर जो है वो मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं और ये है मिठाई वाली MD। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाई है वो है उसको दूध दही समोसे वगैरह मिलते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है इनकी निम्को वाली शॉप। इधर जो है MD की निम्को वगैरह होती है और यहाँ पे जो है इनके MD के बाद जो है यहाँ पे फ्रूट्स का जो ठेला वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पर जो है काफ़ी सालों से जो है लगा हुआ है। और आप लोग बस चेक करें इस टाइम पर जो है कितना ज़्यादा रश हो रहा है चार मीनार पर, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इन्होंने मगरिब के टाइम का जो डिले किया हुआ है तो इस वजह से इन्होंने लोगों को सामान देने जो बंद किया हुआ है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर लोग इस वक्त के लिए ज़्यादा जो है जमा हो MD पर। और आगे जो है हम भी देखें जो है वो यहाँ पर जो है आप लोग रश चेक कर सकते हैं कि भाई कहीं पर लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं तो जो हूँ भाई वो साइड में आके बैठ गया हूँ क्योंकि मैं ना इस वक्त इस लाइन के अंदर जो है खड़ा नहीं होना चाहता। तो फिर अभी हम आपसे जो है इधर यहाँ से फारिग होने के बाद मिलते हैं। तो ये है हमारी SRD कॉटन फैक्ट्री। तो ये वाली रोड आप लोग सीधी लेते हुए जाएंगे, आपको दरख के साथ जो है बेकरी मिल जाएगी। तो आप जो है उस बेकरी पर जो है बचत के साथ जो है वो सामान खरीद सकते हैं। तो भाई सामान वामान हमने ले लिया है और हमने जो है नान कसाई और बन वगैरह जो है वो लिए हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग पापड़ की थैलियाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो रखी हुई हैं, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपना सामान वगैरह लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। फिर चलते हैं हम घर पर। घर वर पे जो है वो मैं पहुँच चुका हूँ और ये हमने जो है ये बेकरी से ये सामान लिया है। ये वाला आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है नान फताई वगैरह हैं और ये है हमारे बन। और MD से जो है वो हमने लिए हैं वो हैं गुलाब जामुन, वो हैं इस थैली के अंदर। तो फिर अभी अब हम आपसे जो है दुकान पे मिलेंगे। तो अभी जो है वो मैं बाज़ार से जो है आ चुका था और आप लोगों को जो है वो मैंने दिखा भी दिया है कि मैं क्या क्या जो लेकर आया हूँ। और उसके बाद जो है मैं सीधा दुकान पर जो है वो आ चुका हूँ। तो फिर अभी 1 या 1.5 घंटा जो है मैं दुकान पर बैठूँगा और फिर हम चलेंगे घर पर। तो अभी जो है वो मैं दुकान से जो है वो आ चुका हूँ। तो मेरे को आए हुए जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं। और एसन भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है बैठा हुआ है। रोज़ाना जो है ये पढ़ रहा होता है लेकिन कल जो है वो हमें स्कूल नहीं जाना है क्योंकि कल जो है जुम्मे का दिन है। तो इस वजह से जो आज इसने नहीं पढ़ा। तो फिर अभी हम चलते हैं खाना खाने। हमारा खाना जो है आ चुका है और हमारे खाने के अंदर है बर्गर और पुलाव और उसके साथ वो जो मैं अभी नान कथाइयाँ लाया हूँ वो दही बड़े और सालन और रोटी। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपना खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
तो अभी जो है वो हमने खाना वगैरह खा लिया है और अभी हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा और जल्दी से जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। अल्लाह हाफिज़।